सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का ये झरने ये आबशारे ये पहाड़ ये दरिया ये काम है वो काम है हर काम खुदा का दिस वीडियो इज इन उर्दू लैंग्वेज आर रिक्वेस्टेड टू कमेंट अंडर दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स एंड इफ यू पीपल विजिट पाकिस्तान डू गुड फैसिलिटीज एंड प्रॉपर आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो खूबसूरत व्यूज़ हैं बाबूसर टॉप के अच्छा बाबू टॉप जो है वो सियात की दुनिया में पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर बहुत ही मशहूर है एक तो ये कि तेरह हज़ार फिट की बुलंदी के ऊपर है बुलंदी के ऊपर है और आस बहुत ही सब्जा और पानी और झरने बहते और गिरती हुई बर्फ यानी कि एक बिल्कुल रोमांटिक सा जो है वो एक एक प्लेस है बशरते कि आप जाएँ तो तब रश ना हो और ऐसा नॉर्मली कम ही पॉसिबल होता है हाँ ये कि रमज़ान के दिनों में या इस तरह की इस तरह के जो आ, कोई डेज होते हैं आ, मैं नॉर्मली रमज़ान के दिनों में जाता हूँ तो उस चक्कर में क्या होता है कि मुझे होटल भी सस्ते मिलते हैं और जो है यहाँ पर रश भी कम मिलता है और मैं अपनी ब्यूटी को और कचरा भी कम होता है मैं तो ब्यूटी को बहुत अच्छे से जो है न वो आँखों से निहारता हूँ देखता हूँ उसे अपने अंदर उतारता हूँ और दैन वापस आता हूँ अच्छा बाबू से टॉप बहुत सारे लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि यार हम जाएँ कैसे तो मैं बहुत ईजीली आपको बता देता हूँ अगर आप कराची से हैं और आपने बहुत कम पैसे खर्च करने हैं तो सिंपल सा है आप ट्रेन पर बैठें रावलपिंडी उतर जाएँ रावलपिंडी से मैंने सुना है बल्कि मेरा ख्याल ये कन्फर्म भी है जो फैसल मूवर्स हैं उनकी बसेस चलती हैं वो आपको बाबूसर टॉप तक ले जाएंगी और अगर वो नहीं भी हैं तब भी आपको वहाँ से लोकल बहुत सारी बसेस जो हैं नारायण जाती हुई फिर नारान से आगे वहाँ पर आपको बाबूसर टॉप जाती हुई मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल में अगर ट्रेन का खर्चा निकाल लिया जाए तो आप जो है को मजीद फर्दर वहाँ इस्लाम पहुँच कर आपका दस हज़ार खर्चा होगा और आप बाबू से टॉप घूम कर इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे रस्ते में एक मून रेस्टोरेंट है वहाँ का खाना बहुत अच्छा है बहुत रीज़नेबल है स्टाफ बहुत रीज़नेबल है और बहुत रिस्पेक्ट देता है आप वहाँ पर ज़रूर रुकें वहाँ की चाय बहुत अच्छी है बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो वहाँ आप ज़रूर रुकें अच्छा फिर उसके अलावा ये है कि अगर आपने लग्जरी करना है तो फिर आप बाईर लें और वहाँ से एक अपनी गाड़ी अगर आपकी अपनी है तो इस्लामाबाद से जो है अगर गाड़ी अपनी है तो बड़ी गाड़ी का पता नहीं लेकिन जो ऑल्टो वाले लोग हैं उनकी तो एक टैंकी लगेगी और वो वहाँ कर उसको घूम फिर कर वापस आ जाएंगे यहाँ दाएँ बाएँ और कटवट ना मारें तो एक टैंकी यहां ऊपर दस लीटर और लग जाएगा वो सेफ्टी के लिए आप अपने पास रख लें वो पेट्रोल लग जाएगा तो घूम फिर कर आ जाए लेकिन सर टॉप और उसके रस्ते में आते हुए सीनरीज वो मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं रस्ते में क्या क्या आता है क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो जो है जिपलाइनिंग का क्या स्टेटस है ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाबूसेर टॉप तेरह हज़ार फिट की बुलंदी पर है ज़रा सा भी मौसम वहाँ पर बादल आते हैं सामने तो सूरज के तो ऑलमोस्ट बर्फबारी शुरू हो जाती है बहुत शदीद ठंड होती है लेकिन जब आप ऊपर टॉप पर पहुँचते हैं ना सड़क थोड़ी सी टूटी हुई है लेकिन जब आप ऊपर टॉप पर पहुँचते हैं ना आपके सारे दुख दर्द आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और आप वहाँ पर जाकर ऐसे लगते हैं जैसे एक प्योर सोल एक साफ सुथरी जो सोल है वो है आपकी तो आप ये वीडियो भी देखें और आपने मेरा ब्लॉग भी सुना थैंक यू वेरी मच